चुनाव प्रचार के लिए निकलते वक्त ताम्रध्वज साहू ने पूरब टाइम्स को अपनी चुनाव लड़ने की शैली के बारे में बताया। महोदय जी, 2014 से जो चुनाव लड़ने का पैटर्न है मोदी जी ने चेंज कर दिया, वो तीन तरीके से हो रहा है। एक तो जैसे जब आप जो जनसंपर्क करते हैं या ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा रणनीति और मीडिया मैनेजमेंट है, और तीसरा सोशल मीडिया। तो आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही है? ग्राउंड लेवल तो आपका वर्क दिख रहा है, बाकी जगह पर क्या तैयारियां चल रही है, और उसी पैटर्न में लड़ रहे हैं या पुराने पैटर्न में? देखिए, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य तरीके से मैं चुनाव लड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाता मैं। लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और बाकी आज आधुनिक युग का सोशल मीडिया या जो चीज़ है उसको तो जितना हो सकता है करते ही हैं, नहीं करने की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितना हो सकता है उसको करते ही हैं, पर मैं ज़्यादा ध्यान संपर्क में रखता हूँ। जैसा कि अभी सेंसस में बताया जा रहा है कि करीब करीब 60% वोटर हैं आपके यहाँ पर भी, वो भी 45 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो उनके लिए कोई विशेष रणनीति आपने बनाई है? हम नवयुवक साथियों से भी वैसा ही संपर्क करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य हो, रचनात्मक दिशा में पॉजिटिव सोच रख के आप लोग निर्णय लें, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बताते हैं, कांग्रेस के काम बताते हैं, ताकि उनको नॉलेज हो कि कांग्रेस क्या है, और उनको अपील करते हैं कि कांग्रेस को वोट करें। चुनाव लड़ने के लिए हर प्रत्याशी की अपनी अपनी शैली होती है, परंतु जो जीता वही सिकंदर कहलाता है।